Hi everyone, my name is Harsh and welcome back to my YouTube channel. तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकता है और उसको यूज कर सकता है। तो बेसिकली अगर हमको कोई प्रोफेशनल दिखने वाला वेबसाइट अगर हमको क्रिएट करना है तो उसके लिए हमको लाखों रुपए जो है देने पड़ते हैं जो है वेब डेवलपर को। अगर हम चाहते हैं कि हम वैसा ही एक वेबसाइट क्रिएट कर दें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये कैसे पॉसिबल है, हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन सबको हम आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो इस वेबसाइट को क्रिएट करके हर कोई यूज कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे एक दुकानदार हो, चाहे आप एक बहुत ही छोटे दुकानदार हो। तो इसकी मदद से आप अपने सामान को अपने वेबसाइट जाके लिंक कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने फेसबुक देखा, जिस तरीके से हमने अमेज़न को देखा, इस तरीके से आप अपना एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉग लिखते हैं या फिर आप जो है न्यूज़ चैनल अपना ब्लॉगिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप इस वेबसाइट की मदद से ऐसा कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे आपके पास कोई स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हॉस्पिटल है तो आप उस हॉस्पिटल के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हैं तो आप अपने एफिलिएट लिंक्स को इस वेबसाइट पे जो है जाके पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप ब्लॉग के नीचे अपने जो है एफिलिएट लिंक को पोस्ट कर सकते हैं और उससे अर्न कर सकते हैं। तो समझ लीजिए ये हमको फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको सिखाऊंगा कि हम 10 मिनट के अंदर ही एक प्रोफेशनल वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आज हम देखने वाले हैं कि हम वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल हमको जाना है और सर्च करना है wix.com। तो देखिए ओपन होने के बाद wix.com में हमको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ पहले से, तो मुझको लॉगिन करने के लिए नहीं बोल रहा है। अगर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो आप सिंपल अपना ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद देखिए हमको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएट न्यू साइट, तो यहाँ पे हमको सिंपल क्लिक कर देना है। देखिए अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट आर यू क्रिएटिंग, आप किस तरीके का वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टोर, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कंसल्टेंट, टेक्नोलॉजी कंपनी। तो मैं सिंपल जो है टेक्नोलॉजी कंपनी पे क्लिक कर देता हूँ। और देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी, टेक्नोलॉजी पीआर कंपनी, टेक्नोलॉजी वीडियो ब्लॉग, आप किस तरीके का बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा टेक्नोलॉजी वीडियो ब्लॉग और यहाँ पे नेक्स्ट। अब इसके बाद हमसे पूछेगा कि व्हाट डू यू वांट टू ऐड टू योर वेबसाइट, आप अपने वेबसाइट में कौन कौन से फीचर्स जो है लाना चाहते हैं, जैसे कि चैट हो गया, वीडियो हो गया, बुकिंग हो गया, ब्लॉग हो गया। तो आपको जो जो फीचर्स चाहिए हो आप यहाँ पे सिंपल जो है क्लिक करके उसको अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जो जो चीज़ पर्सनली चाहिए होगा वही वही सिर्फ जो है आप क्लिक करिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जो जो मुझे चाहिए और उसके बाद मैं और सिंपल यहाँ पे नीचे नेक्स्ट मिल जाएगा, हमको उस पर क्लिक कर देना है। देखिए वहाँ पे सिंपल क्लिक करने के बाद हमको दो ऑप्शन दिखाई देगा, लेट विक्स एडीआई क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू एंड और दूसरा क्रिएट योर वेबसाइट विद द एडिटर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे हर एक पेज के बारे में पूछेगा आपको कैसे क्रिएट करना है किस तरीके से। लेकिन अगर आप नए हैं, आपको बस अपना एक वेबसाइट क्रिएट करना है, सीखना है कि वेबसाइट कैसे क्रिएट, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे जो है क्लिक कर दीजिए, आपको यहाँ पे वेबसाइट जो है क्रिएट होकर मिल जाएगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने वेबसाइट का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो मैं अपने वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ हर्ष सिंह, तो मैं इसको सिंपल टाइप कर दूँगा और यहाँ से रन कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और आप उसका लिंक किसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आपके पास, जैसे मेरे पास अभी कोई दूसरा वेबसाइट नहीं, तो मैं यहाँ पे स्किप या फिर नेक्स्ट कर सकता हूँ, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए इसके बाद आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोगो आप अपना सेट कर सकते हैं, आपके यहाँ पे नाम हो गया और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस हो गया, फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे पूछेगा आपको जो वेबसाइट है उसका थीम किस तरीके का होना चाहिए, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्पार्क को। देखिए अब आगे आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो वेबसाइट क्रिएट करना है उसके होम पेज पे आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऐड पेज टू योर वेबसाइट, ये जो है पेज हमारे वेबसाइट में जाके ऐड हो जाएगा। तो देखिए हमने जो जो फीचर्स ऐड किए थे उसके लिए हमको दिखाई दे रहा है कि वो पेज हमारे वेबसाइट पे किस तरीके से जो है लोगों को दिखाई देगा। तो आपको सिंपल सबको सिलेक्ट कर लेना है और जो है आगे चल के यहाँ पे स्किप कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से जो है क्रिएट होके आपको मिल जाएगा पब्लिश करने के लिए, तो यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। ये आपके पूरे इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड किस तरीके का है। तो
तो देखिए आपने जो वेबसाइट क्रिएट किया था अब आपको वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लोगो सिलेक्ट किया था, ये लोगो हमको दिख रहा है, और यहाँ पे हमने जो फीचर्स जो है सिलेक्ट किए थे वो फीचर्स हमको दिख रहे हैं। तो देखिए जैसे मैंने वहाँ पे YouTube का लिंक अपना पेस्ट किया था, देखिए हमको यहाँ पे YouTube छोटा सा देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं YouTube के साथ चाहता तो अपना इंस्टा और Facebook के लिंक्स भी उसमें एक साथ अटैच कर सकता था। तो उसके बाद मुझको यहाँ पे Facebook भी दिखाई देता, इंस्टा भी दिखाई देता और YouTube भी दिखाई देता। तो देखिए अब हम सिंपल स्क्रॉल डाउन करते हैं, लिंक यहाँ पे जो है मैंने सिलेक्ट किया था अपना हर्ष सिंह इस वेबसाइट का नाम, तो उसकी वजह से दिख रहा है। जैसे आप एफिलिएट मार्केटर हैं, आपको जो है कोई भी प्रोडक्ट सेल करना होता है तो आप अपने वेबसाइट पर ला के यहाँ पर लिंक्स जो है अटैच कर सकते हैं, और यहाँ से अगर कोई आपके वेबसाइट से ख़रीदेगा तो आप अर्न कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे सिंपल देखिए यहाँ पे वीडियोस आप अपना जो है लगा सकते हैं, जो भी आपको वीडियोस जो है इसमें चलाना है। हम अब इन सब को यूज़ करके देखेंगे कैसे ये सब यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पे ये म्यूज़िक का हो गया, फिर ये सिंपल पेजेस, और यहाँ पे लेट्स चैट, और ये आपका लोकेशन के लिए हो गया, ये भी सिंपल आपका स्टोर हो गया। तो इस तरीके का आपका वेबसाइट जो है कुछ तरीके दिख रहा है। तब हमको देखना है कि हमारा वेबसाइट किस तरीके से बन के आया है। तो यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा होगा, हमको सिंपल यहाँ पे प्रीव्यू पे सिलेक्ट कर लेना है। अब हमने जो वेबसाइट क्रिएट किया है वो पब्लिश करने के बाद लोगों को किस तरीके से दिखाई देगा वो हमको इसमें अभी इस वक्त पता चल जाएगा। तो देखिए इस तरीके का कुछ हमारा होम पेज होगा, यहाँ पे मेरा लोगो रहेगा, यहाँ पे जो हमने फीचर्स ऐड किए हैं द वर्ल्ड ऑफ हर्सिंग, यहाँ पे लेट्स चैट, अगर कोई कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट पे अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो इस पर सिंपल क्लिक करके आपसे बात कर सकता है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैंने आपको जो बताया था अगर आप एफिलिएट मार्केटर हैं या फिर आप ब्लॉग लिखते हैं, जैसे आप फिटनेस ब्लॉगर हैं तो आप फिटनेस के बारे में एक ब्लॉग लिखिए और तो आप उसके नीचे डंबल हो गया, स्किपिंग रोप हो गया, कोई भी जिम का प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई भी हेल्दी डाइट का जो है प्रोडक्ट हो गया, आप उसके लिंक्स जो है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आप कोई भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर कोई भी आपके वेबसाइट पे आता है तो आपके वेबसाइट पे वो कैसे रजिस्टर कर सकता है। तो ये आपके वेबसाइट का लोकेशन हो गया कि आपका जो वेबसाइट है उसमें लोकेशन कैसे है किसी को पता चलेगा। तो अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सिंपल आपका स्टोर ही है। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा अगर आपका वेबसाइट कोई जो है लैपटॉप में जो है ओपन करता है, अगर कोई इसको मोबाइल में ओपन करेगा तब ये किस तरीके से दिखे। देखिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर का एक साइन दिख रहा होगा, अगर आप उस पर जाएंगे तो यहाँ सिंपल आपको मोबाइल पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको ये दिखाएगा कि आपका ये जो वेबसाइट है वो किस तरीके से मोबाइल पर दिखाई देगा। देखिए अब रेडी हो चुका है कि हमारा ये जो वेबसाइट है ये हमको मोबाइल पर कैसे दिखाई देगा। देखिए आप स्क्रॉल डाउन करते जाइए तो इस तरीके का कुछ प्रीव्यू दिखाई देगा अगर कोई हमारे वेबसाइट को मोबाइल में जो है ओपन करेगा। तो अब हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तब हम ये चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो हम सिंपल पहले अपने जो है डेस्कटॉप मोड पे चलते हैं, आप मोबाइल मोड पे भी चेंजेस कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त लैपटॉप में वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझको आसानी हो जिससे। तो मैं एडिट साइड यहाँ पे आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पे अब चेंजेस आपको करके दिखाऊँगा। तो सिंपल मुझको यहाँ पे इस फोटो को अगर रिप्लेस करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिट, आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इमेज जो है लिखा हुआ मिल रहा होगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए बहुत सारे इमेज के हमको ऑप्शन दे देगा जिसको हम करना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई पर्सनल एक इमेज लगाना चाहते हो तो उसके लिए देखिए आप अपलोड मीडिया करके अपने कंप्यूटर से जो है कोई भी पिक्चर ला के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे चेंजेस इस वेबसाइट में कर सकते हैं। अगर आपको सारे चेंजेस करने के बाद आपको लगता है कि आपका वेबसाइट तैयार है तो आपको सिंपल यहाँ पर जाना है पब्लिश वाले बटन पर और इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी देखिए आपको यहाँ पे wixsite.com जो है अपने वेबसाइट के आगे लगा हुआ मिलेगा क्योंकि हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट विक्स की मदद से बनाया है। अगर हम चाहते हैं तो इस डोमेन को खरीद भी सकते हैं, तो उसके लिए हमको कनेक्ट विथ योर कस्टम डोमेन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई ख़राबी नहीं है, आप सिंपल यहाँ पब्लिश एंड कंटिन्यू कर दीजिए, आपका वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा अच्छा खासा, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे पब्लिश एंड कंटिन्यू पे कर देता हूँ, अब हमारा वेबसाइट जो है पब्लिश हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा वेबसाइट जो है क्रिएट हो चुका है, हमने आसानी से सिर्फ 10 से 15 मिनट में एक अच्छा खासा प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट किस तरीके से दिख रहा था, हम यहाँ देखिए व्यू साइट कर देते हैं क्लिक और अब यहाँ पे हमारा वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा वेबसाइट ओपन हो चुका है जो हमने अभी क्रिएट किया, देखिए ये वेबसाइट को हमने अभी क्रिएट किया, ये ओपन हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि कोई भी इसको कैसे जो है इस वेबसाइट को कैसे ओपन कर सकता है, तो हम सिंपल देखिए इसको कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए हमने सबको क्लोज कर दिया और हमने जो अभी अपने वेबसाइट के लिंक को जो है कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करके रन करते हैं। तो देखिए अब हम अपने सीधे अपने वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो ये आपका वेबसाइट क्रिएट हो चुका है अच्छा खासा प्रोफेशनल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि wixsite.com अगर ये हट जाए तो आपको डोमेन इसका खरीदना पड़ेगा,
अगर आप खरीदना नहीं चाहते आप सिंपल इसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को बनाते हुए देखिए मैंने यूट्यूब का अपना जो है लिंक यहाँ पर अटैच किया था, तो देखिए यहाँ पर यूट्यूब का लोगो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा तो मुझको पहले लॉगिन करने के लिए बोले क्योंकि मैंने अभी तक इसमें लॉगिन नहीं किया। देखिए आपके वेबसाइट में कोई आके लॉगिन भी कर सकता है। तो देखिए मैं इस वेबसाइट पे लॉगिन हो चुका हूँ और इस वेबसाइट को क्रिएट करते वक्त मैं अपने यूट्यूब का लिंक इस वेबसाइट में मैंने जो है पेस्ट किया था। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो देखिए जैसे यहाँ पर यूट्यूब का मुझको लोगो दिख रहा है, अगर मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा देखिए मैं सीधे अपने यूट्यूब चैनल पर आ चुका हूँ। देख सकते हैं हमारा वेबसाइट जो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आसानी से हम कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट जैसा हमको रिक्वायरमेंट हो हम उस तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। Years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it.